मंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को वीरेंद्र सिंह राठौर की माता के निधन पर शोक व्यक्त करने करनाल पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने परिवार को सांत्वना दी तथा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना की। उनके साथ कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान जब उनसे राइस मिलर्स में हो रहे घोटाले के बारे में पूछा गया तो प्रतिपक्ष नेता व पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसान बर्बादी की कागार पर पहुंच चुका है। पराली को लेकर हरियाणा सरकार को कचघेरे में खड़ा करते हुए कहा कि पंजाब में पराली जलाने को रोकने के लिए जो धन राशि दी जा रही है उसके मुकाबले हरियाणा में बहुत कम है। वे करनाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र सिंह राठौर के घर उनकी माता के निधन पर उनके घर शोक व्यक्त करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमने शुरू से ही इस मुद्दे को उठाया था। प्रदेश में राइस मिलर्स पर हुई छापामार कार्यवाही पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा, गलत सही का फैसला जांच के बाद ही हो जाएगा। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह राठौर की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ है, उनके पीछे आया था, सारे परिवार का जो नुकसान हुआ है, हिम्मत दे भगवान। और हमारे पुराने दोस्त हैं राठौर साहब, बाकी जिसको ऊपर वाले ने जितना लिखा होता नहीं, लेकिन पूरी इन्होंने कोशिश की और सर्जरी के टाइम ही वो स्वर्गवास से धारी। हुड्डा जी, सेशन में आपने धान घोटाला उठाया था, मामला उठाया था, फिर बाद में अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी उठाया गया। पूरे प्रदेश में जो है राइस मिलर्स पर छापेमार कार्रवाई हो रही है, हुई चार दिन पहले, लेकिन अब फिर ठंडे बस्ते में मामला कहीं ना कहीं जाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, जो मैंने पहले कहा कि इसकी बाकायदा सीबीआई की इंक्वायरी होनी चाहिए। जो धान की खरीद जिस प्रकार से हुई है, आढ़तियों से जबरदस्ती उठवा दिया गया, उन्होंने राइस मिल में भेज दिया गया और किसान अपनी पेमेंट के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये बड़ा भारी वो है और किसान को मजबूरन मतलब बहुत सस्ता धान बेचना पड़ा है। तो ये शुरू से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ये सरकार पे कोई इस किस्म के कदम नहीं उठाए गए जो किसान के हित की बात हो। पराली पे भी वहाँ पर 1000 रुपया प्रति एकड़ पंजाब ये हरियाणा ने कहा है, वो 2500 रुपये एकड़ दे रहे पंजाब वाले, कोई अलग किसान थोड़ा ही है वो यहाँ के। तो इस वास्ते इनको पूरा सही जो है फैसला लेना चाहिए। किसान आज बड़ी भारी समस्या में है, बर्बादी के कगार पे खड़ा है। मंत्री है कि अभी भी कुछ विधायक जेजेपी के आपके संपर्क में है, कांग्रेस के संपर्क में, सरकार चलेगी है। मेरी शुभकामनाएं हैं। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।